अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फैशन कॉर्नर विद रूबी। आज मैं आपको गरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी। गरारे को किस तरीके से कटिंग करना है, वेरी सिंपल वे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको गरारे की कटिंग सिखाऊंगी। सबसे पहले हम ऊपर का हाफ गरारे के दो पार्ट करते हैं। एक नीचे का पार्ट होता है और एक ऊपर का पार्ट, दो अलग अलग होते हैं। ऊपर का जो आसन वाला पार्ट होता है उसकी जो लेंथ है वो हम रखेंगे 11 इंच की हमें उसकी लेंथ रखनी है। पूरी टोटल जो हमारी लेंथ है वो 23 इंचेस का गरारा मैं सी रही हूँ। मैं बच्ची के हैं 5-6 साल की बेबी के लिए 23 इंचेस का गरारा ये मैं सीऊँगी, कटिंग कर रही हूँ। और इसमें से हमें जो ऊपर का पार्ट, जो आसन का पार्ट होगा, वो हम लेंगे 11 इंचेस लेंगे। उसके लिए मैंने कपड़ा कहीं से ये अलग किया है 11 इंचेस का नहीं है, ये 13 इंचेस का टोटल कपड़ा है। क्योंकि मुझे ऊपर से नेफा जो इलास्टिक डलेगी उसके लिए 2 इंचेस का कपड़ा अलग करना था और नीचे से तकरीबन 1 इंच का कपड़ा मुझे अंदर करना था। अब मैं यहाँ से लूँगी टोटल 5 इंचेस और 1 इंच सिलाई के लिए लेकर निशान लगा लूँगी और 6 इंचेस पे हम लोग शेप बनाएंगे। यहाँ से हम लोग नीचे का पाइंचा हम लोग अटैच करेंगे जहाँ हम चुने लेते हैं। ये मैंने इस शेप में इस 5 इंचेस लिया पाइंचा और ये 1 इंच एक्स्ट्रा लिया और निशान लगा लिए। ऊपर से जो मैंने आसन लिया था 8 इंचेस का, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 8 इंच का आसन लिया है। यहाँ पे 2 इंचेस मैंने छोड़ा है ऊपर नेफे के लिए। 8 इंच का आसन लेकर निशान लगाया है टोटल। और नीचे से पाइंचे का जो निशान लगाया है जहाँ से हम पाइंचा अटैच करेंगे गरारे का, उसको मैंने इस तरीके से शेप दे दिया। अब हम कटिंग इधर से करेंगे जहाँ पर 6 इंच पे हमने निशान लगाया है, इधर से हम लोग कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर लिया है टोटल 4 पीस। ऐसे हाफ में करेंगे तो 4 पीसेस फैब्रिक है और 2 पीस में हमारे ये गरारे का ऊपर का हिस्सा कटिंग हो गया है। अब हम इसके नीचे का हिस्सा कटिंग करेंगे। ये गरारे के नीचे का हिस्सा है, इसकी टोटल जो लेंथ मैंने ली है 23 इंचेस था, उसमें से हमने 11 इंचेस ऊपर का कटिंग किया। उसके बाद 12 इंच जो बचा, 12 इंच का हम लोग नीचे का गरारे का लेंगे। उसमें मैंने 1 इंच ऊपर से सिलाई के लिए छोड़ा है और नीचे से सिलाई के लिए 1 इंच छोड़ा है। ये देखिए यहाँ से 11 इंच 1 इंच मैंने छोड़ा है सिलाई के लिए। ऊपर से मैं ज़्यादा छोड़ रही हूँ क्योंकि ये बनारसी कपड़ा है तो ये निकल जाता है सिलाई में से, इसलिए मैं ज़्यादा छोड़ रही हूँ। और यहाँ पे 23 इंचेस है ना, यहाँ से मैं ये इतना कपड़ा तकरीबन मैं सिलाई में लेकर फोल्ड करूँगी ताकि ये निकले नहीं, सिलाई से ख़राब हो जाता है ये जल्दी कपड़ा, इसलिए मैं ज़्यादा ले रही हूँ सिलाई में। ये मैंने इस तरीके से फोल्ड करके ये कपड़ा रखा है, मैं आपको दिखा दूँ। 4 पीसेस में ये फैब्रिक फोल्ड हुआ है, एक तरफ से बंद है और एक तरफ से ओपन है। ये देखिए, ये ऊपर का हमारा हिस्सा और ये नीचे का गरारे का हिस्सा। वेरी सिंपल कटिंग मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ गरारे की, आप लोग बहुत आसानी से इसको देखकर कटिंग कर सकते हैं। अब इसको हम जब यहाँ पर अटैच करेंगे तो यहाँ चुने आएंगी और नीचे से फोल्ड होगा ये। इसकी अब हम करेंगे स्टिचिंग। सबसे पहले हम लोग ऊपर का जो हिस्सा है उसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे, उसके साइड्स को हम फोल्ड करेंगे। इसको हम साइड में कर लेते हैं। ये हमारा ऊपर का पार्ट है, इसके हम पहले साइड में सिलाई लगाएंगे आसन की तरफ, जिसको हम आसन कहते हैं। दोनों कपड़ों को हम एक साथ रख के इसको हम लोग तकरीबन 1/2 इंच छोड़कर सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से बराबर करके। बंद कर लेंगे हम आसन को। ये देखिए, मैंने सिलाई करके दोनों तरफ से आसन को बंद कर लिया है, सिलाई लगा ली है। अभी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इसके नीचे से हम अटैच करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इलास्टिक लगा लूँगी, इलास्टिक डाल लूँगी, सिलाई कर लूँगी ऊपर से। ये इलास्टिक है, हम 1/2 इंच की भी डाल सकते हैं। मैं तकरीबन 1 इंच की इलास्टिक है, मैं ये वाली इलास्टिक यूज़ करूँगी इस पर। और ऊपर से मैं इलास्टिक कर लूँगी, ये मैंने इलास्टिक लगा ली है। इस तरीके से हो गया हमारे ऊपर का पार्ट। अब हम इसको नीचे की तरफ से, वो जो गरारे का नीचे का हिस्सा है, उसको अटैच करेंगे। इसके साथ स्टेट्स देते जाएंगे और इसको अटैच करते जाएंगे। इसमें से एक कपड़े को अलग कर लेते हैं, 2 पीसेस हैं, 2 पाइंचे हैं, एक को अलग कर लेते हैं हम इसमें से।
सीधी तरफ कपड़े पर सीधे कपड़े पर सीधा हिस्सा रखते हैं और हम इसको अटैच करते जाएंगे और प्लेट देते जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम अटैच करेंगे। सिलाई मशीन में मैंने रखा है कपड़े को सीधी तरफ, वो जो हमारा आसन वाला हिस्सा था ऊपर का उसको मैंने रखा है कपड़े को, और इसको भी मैंने जो नीचे का हमारा लिखा हिस्सा था उसको भी मैंने इसके ऊपर रखी, और ऐसे मैं 5 इंच के ऊपर से सिलाई लगाती जाऊँगी और प्लेट के साथ साथ देते जाऊँगी। तकरीबन 1-1 इंच की ये मैं बॉक्स प्लेट टाइप दे रही हूँ। हम चुने भी दे सकते हैं, चुने देने के लिए हम जैसे पहले नीचे वाला हिस्सा जो होता है गरारे का उसको सिलाई लगाते हैं, उसके हम लोग चुने भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें प्लेट दे रही हूँ। जैसा आपकी चॉइस हो, जिस तरीके की आप लोग प्लेट चाहें इसमें दे सकते हैं। ये देखिए मैंने दोनों 5 इंच अटैच कर लिए, इस तरीके से प्लेट्स दे देकर 1-1 इंच की तकरीबन ये प्लेट्स दी है मैंने, और इनको मैंने अटैच कर लिया है, दोनों 5 इंचों को जोड़ लिया है ऊपर के साथ। अब इसकी सिर्फ अंदर की सिलाई लगानी है, हमें पूरी बीच की सिलाई लगा के हम इसको बंद कर लेंगे और नीचे से 5 इंचों भी फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारा रेडी हो जाएगा बिल्कुल। देखिए गरारा रेडी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत जल्दी सिल जाता है। नीचे से भी मैंने इसे बारीक से सिलाई लगा के इसको मोड़ लिया है और साइड से बंद कर लिया है। 5 से 6 साल के बच्चे के लिए, साल के बच्चे के लिए ये शरारे का जो नाप है, ये आप बना सकते हैं आराम से।